विपक्ष की तोहमत लगे। मैं नहीं चाहता आपके ऊपर मित्र विपक्ष की तोहमत लगे। आपका विपक्ष का नेता का चयन नहीं हो पाया अभी तक, समझ रहे हैं सर? उसके लिए देखिए मैं बताऊं, कोई संवैधानिक ऐसी आवश्यकता नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष का रहना जरूरी है। अच्छा? नेता प्रतिपक्ष के बगैर भी सदन चल सकता है। संवैधानिक पद है, आप मुझे कह रहे हैं संवैधानिक संकट नहीं है, ये संवैधानिक पद है। कंपल्शन नहीं है, मैं कह रहा हूं संवैधानिक पद है। नहीं, संवैधानिक पद तो है, कंपल्शन नहीं है उसका वहां पर होना। अच्छा, पांच साल मत रखिए नेता प्रतिपक्ष। नहीं, हमारे मैं तो आपको यहाँ तक कह रहा हूँ, हमारे तो अगर 19 विधायक है, सारे के सारे सक्षम है अपनी बात को रखने के लिए। बाकी रही नेता प्रतिपक्ष की बात, सुन लीजिए तिलक जी, आप जरा हमारी भी सुन लीजिए, ठीक है? आप तंज ज्यादा करते हैं, सुनते कम है, हमारी भी सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ नेता प्रतिपक्ष की जहां तक बात है, हमारे यहाँ से उनका प्रस्ताव जा चुका है, अब ये हाईकमान ने तय करना है। हो सकता है कि आज ही अभी कुछ ही देर में आपको जो है ये पता लग जाए कि नेता प्रतिपक्ष हमारा कौन होगा। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने सदन में, आज भी मैंने देखा, अनुपमा जी ने बहुत बेहतरीन ढंग से अपनी जो है भूमिका निभाई है, कांग्रेस की भूमिका निभाई है। जो मुद्दे थे महंगाई के, तमाम मुद्दों पर उन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं और सरकार के पास कोई जवाब देने के लिए नहीं था। और मैं तो फिर कह रहा हूं, जयसिंह रावत जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, मैं उनकी बातों से पूर्ण तरीके से सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, जो गिना रहे हैं पिछले काम, पिछले काम बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं जो भी देता हूं, जय सर कोई नेता प्रतिपक्ष बना दो। नहीं, जय सर को नेता प्रतिपक्ष बना दो। नहीं, मुझे